नमस्कार, प्रस्तुत है क्लास 8 बोर्ड एग्जाम 2023 का के सॉल्व पेपर का पार्ट 3 वीडियो। इस वीडियो में मैं प्रश्न संख्या 21 से लेके प्रश्न संख्या 30 तक के प्रश्नों को हल कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 21, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है कहलाता है, तो यह कहलाता है आयत। प्रश्न संख्या 22, दी गई आकृति में एक्स का मान होगा, तो ये जो आकृति है आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये समकोण त्रिभुज है और ये वाला जो कोण है ये है 90 डिग्री। तो बाकी जो दो कोण है, कोण बी और कोण कोण सी, इनका योग होगा 90 डिग्री। तो एक्स बराबर क्या होगा? एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो ये हमारा आएगा 35 डिग्री। तो ये एक्स क्या है, कितना है? 35 डिग्री है। प्रश्न संख्या 23, आयलर सूत्र एफ प्लस वी स्कल टू ई प्लस टू के लिए कौन सही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये एफ वी और ई ये क्या है। तो ये एफ होता है, ये होता है फेस, और हिंदी में इसे कहते हैं फलक। वी होता है वर्टेक्स, यानी शीर्ष, और ई होता है एज, किनारा। तो आप देखें एफ यहां फलक की संख्या, यह सही है। ई किनारों की संख्या, ये भी सही है। वी बिंदुओं की संख्या, ये नहीं है, वी होना चाहिए था शीर्षों की संख्या। तो जो सही नहीं है वो यही है, दो संख्या है ये तो सही है। प्रश्न संख्या 24, आयलर का सही सूत्र हो। तो देखिए प्रश्न संख्या 23 में ही आयलर का सूत्र दिया हुआ है, वो क्या है? एफ प्लस बी स्क्वल टू ई प्लस टू। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये वाला तो यहां पर कहीं नहीं है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ प्लस बी, और ये जो दाहिनी ओर है बाई ओर होगा आ जाएगा, अगर हम लाएंगे इसको तो ये माइनस ई हो जाएगा स्क्वल टू टू। तो देखिए ये है पहला नंबर हमारा, तो यही आयलर सूत्र है। प्रश्न संख्या 25, एक घन के फलकों की संख्या होती है। तो आप दैनिक जीवन में घन के आकार का एक चीज देखते हैं, जब आप लूडो देखते हैं तो पासा जो है वो घन के ही आकार में होता है, तो आप उसमें फलक गिनिए, उसमें फलक होते हैं, फलक या फेस जो कहें वो 6 होते हैं। प्रश्न संख्या 26, एक घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो ये घनाभ आपका जो बॉक्स है, बॉक्स की तरह होता है, तो इसमें भी आप फलक गिनेंगे तो ये 6 फलक होते हैं।
प्रश्न संख्या 27, निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है? तो ये 3D आकृति है गोला। आप शॉटपुट खेलते हैं तो वो गोला जो ठोस गोला होता है वैसा ही ये गोला होता है, ठीक है, और ये 3D आकृति है। एक घनाभ में कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ में 12 किनारे होते हैं। प्रश्न संख्या 29, एक घन जिसकी एक भुजा 7 सेंटीमीटर है का आयतन होगा, तो घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो घन का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है L क्यूब, जहां L क्या है? भुजा है। तो यहां भुजा कितना दिया हुआ है? 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब हम निकालेंगे यानी 7 गुना 7 गुना 7, तो ये क्या आता है? 343, और आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब होगा, ये तीसरा नंबर। प्रश्न संख्या 30, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले घन की भुजा होगी। आइए निकालते हैं इसकी भुजा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है 6L² है ना, तो ये हो गया 6L², ये जो क्षेत्रफल है ये कितना दिया हुआ है? 600, तो L² बराबर हो जाएगा 600/6, ये यहां पर बटा में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो एल स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी 10 सेंटीमीटर, तो ये दूसरा नंबर ऑप्शन हमारा सही है। तो ये था हमारा पार्ट 3 वीडियो। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रश्न संख्या 31 से लेके 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।